तो हम लोगों को आज पढ़ना है मेजर फूड क्रॉप्स के बारे में, जिससे पहले हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़े, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े और व्हाट इज एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े। आज जरा हम सबसे पहले ये तीन क्रॉप्स के बारे में, मेन फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक एक करके और भी जो फूड क्रॉप्स है और या और जो नॉन फूड क्रॉप्स है उसको भी हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। इसमें सबसे पहले आप राइस, इसको एक लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप क्या करें, इसको कॉलम बाय कॉलम बना लें और ये बेहतर तरीका से समझाएगा आपको। सबसे पहले अगर राइस है तो राइस को लिखेगा इट इज़ अ खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, क्या लिखेगा, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछता है, टेम्परेचर पूछता है, तो लिखिएगा टेम्परेचर कैसा होता है, तो टेम्परेचर इसको चाहिए एबव 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लेकिन उसमें आपको लिखना पड़ेगा इसमें आपको कैसा टेम्परेचर इसको चाहिए, तो ह्यूमिड और जो हाई टेम्परेचर रीजन होता है, हाँ ह्यूमिड नमी वाला नहीं उमस वाला, ठीक है, ह्यूमिड एंड हाई टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिड टेम्परेचर के साथ साथ हाई टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, रेनफॉल आपको मोर देन 100 सेंटीमीटर चाहिए, लिखिएगा इट नीड्स मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल पर एनम। अगर आपसे टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पूछेगा तो टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बताइएगा, एल्यूबल सॉइल इज बेस्ट फॉर क्या, कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स नहीं राइस क्रॉप्स, ठीक है, किसका, राइस के लिए सबसे बेहतर आपका कौन सा माना जाता है, एल्यूबल सॉइल माना जाता है। आपसे प्रोड्यूसर पूछेगा तो वेस्ट बंगाल इन इंडिया, वेस्ट बंगाल इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया या व्हीट इन इंडिया, सॉरी राइस, राइस के बारे में आपसे पूछेगा, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन है, तो आप बताइएगा वेस्ट बंगाल। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि वो फूड राइस बाउल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं छत्तीसगढ़ को, धान का कटोरा, धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को। लेकिन अगर आपसे पूछेगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया तो लिखिएगा किस चीज को, लिखिएगा वेस्ट बंगाल को लिखिएगा। अगर दुनिया में आपका रैंक पता है तो आफ्टर चाइना इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किस चीज का, राइस का, चाइना के बाद, ठीक है। चाइना राइस का जो है हम लोग अपने यहाँ खरीफ क्रॉप्स है तो हम लोग क्या करते हैं, इन द बिगनिंग ऑफ मानसून इसको क्या करते हैं, बोने का काम करते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं कब, सितंबर अक्टूबर के महीने में, ये हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर के महीने में। लेकिन कुछ ऐसे जगह है भारत में जहाँ पे धान के तीन तीन फसल होते हैं, ठीक है, जैसे आसाम में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में, ठीक है, आसाम में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में, आसाम में धान का एक और किस्म होता है जिसको उस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, अंश, सॉरी अंश कहते हैं, ANS अंश कहते हैं। वेस्ट बंगाल में भी एक और फसल होता है जिसको अमन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, धान का एक और फसल होता है अमन के नाम से जाना जाता है। ओडिशा में भी एक और धान का फसल होता है जिसको बोरो के नाम से जानते हैं, ठीक है, हाँ, ये आपका मुख्यतः धान का हो गया। उसके बाद आपका व्हीट आता है, व्हीट मीन्स गेहूं, गेहूं जो है लिखिएगा इट इज अ रबी क्रॉप्स, ठीक है, क्या लिखिएगा, इट इज अ रबी क्रॉप्स, ठीक है। और ये आपको जो होता है वो आपको कहाँ होता है, वेस्ट इन एलिबल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, डेक्कन प्लेट्यू का जो ब्लैक सॉइल है, ठीक है, वहां पे आपको बेहतर तरीके से क्या होता है, गेहूं का प्रोडक्शन होता है। धान के बारे में या राइस के बारे में आपसे पूछेगा तो लिखिएगा इसका जो बेहतर धान की खेती होती है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में होता है, कहाँ होता है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में, जिसमें आप क्या लिखिएगा, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, जो कोस्टल प्लेन एरियाज है जहाँ पे कोस्टल और डेल्टा वाला रीजन है वहाँ पे धान का बेहतर होता है, और जो उत्तर का समतल मैदान है जो प्लेन है वहाँ पे बेहतर तरीके से होता है। वेट के बारे में आपसे पूछेगा तो रबी क्रॉप्स लिखिएगा, और एलेबल सॉइल में तो होता ही है, इसके साथ साथ आपका जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, वहाँ भी होती है। अगर आपसे पूछेगा तो लिखिएगा नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, कहाँ पे होता है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको बेहतर तरीके से होता है, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश आ गया, पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आ गया, कर्नाटक आ गया, तमिलनाडु आ गया, उन जगहों पर भी होता है, ठीक है। इसके बाद आप टेम्परेचर पूछेगा तो 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस जिस समय बोने का समय आता है, सोइंग पीरियड आता है, वहाँ उस समय चाहिए, और जब पकने का समय आता है तो 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए फसल को पकते समय। रैंक आपसे कहेगा तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट
इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किस चीज का? वीट का, ठीक है, और राइस का भी। भारत दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है गेहूं का भी और चावल का भी। रेनफॉल आपको 50 से 70 डिग्री सेंटीमीटर पर एनम चाहिए, लेकिन ये आपको पीरियडिकली होना चाहिए, निश्चित जब उसको जरूरत है उसी समय, ये नहीं कि एक ही बार जोरदार बारिश हो गई और खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज का? इंडिया में वीट का, गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको उत्तर प्रदेश करता है। बात समझ में आ गई? ये आपको गेहूं हो गया, लेकिन चाहे वो धान के फसल हो चाहे वो गेहूं का फसल हो, आज वर्तमान समय में चूंकि फार्मर जो है उसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो गई है? मॉडर्न टाइप ऑफ फार्मिंग के ऊपर हो गई है। उसके पास टेक्नोलॉजी है, स्किल है, नॉलेज है, तो आज हम लोग ना सिर्फ वैसे जगहों पर एग्रीकल्चर करते हैं जो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है, बल्कि इसके साथ साथ हम लोग वैसे जगहों पर भी एग्रीकल्चर करते हैं जहाँ पे इसके लायक फेवरेबल कंडीशन नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बेहतर टेक्नोलॉजी, स्किल और नॉलेज का सहायता से, नॉलेज के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इन फसलों का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जगहों पर आप जाएं, पंजाब जाएं, हरियाणा जाएं, राजस्थान जाएं, इन जगहों पर इसके लायक फेवरेबल कंडीशन नहीं है, लेकिन हम लोग वहाँ पे आज एग्रीकल्चर करते हैं। बात समझ में आ गई? उसके बाद मेज है। मेज भी जो है वो आपका खरीफ क्रॉप्स है। मेज मेनली इट इज अ खरीफ क्रॉप्स, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये रबी क्रॉप्स और खबी क्रॉप दोनों में बोया जाता है। नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में ये रबी और खरीफ में दोनों में बोया जाता है, लेकिन ये आपको मुख्यतः अगर पूछेगा तो लिखिएगा इट इज अ खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। इसको 21 से 27 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल अप टू 100 सेंटीमीटर पर एनम चाहिए। 100 सेंटीमीटर पर एनम अगर जहाँ पे बारिश होती है तो बेहतर माना जाता है। ओल्ड एल्यूबल सॉइल इसके लिए बेहतर है और कर्नाटक जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज का? मेज का, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा दुनिया के अंदर, तो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रैंक है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किस चीज का? मक्का का। इंडिया, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। पहले नंबर पे कौन आता है? यूएसए। यूएसए का स्थान नंबर वन है, लेकिन ये जो क्रॉप्स है मेज, ये इकलौता क्रॉप्स है जिसको हम लोग एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर क्या करते हैं, फूड और फोडर दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंसान भी खाता है और जानवर भी खाता है, जानवर चारा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यूएसए के अंदर या फिर मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर मेज का मुख्यतः इस्तेमाल होता है जानवरों के चारा के लिए, वहाँ पे इंसान अपने इस्तेमाल करने के लिए मेज का प्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? आज के लिए इतना ही रहने दो, कल फिर नेक्स्ट और फसल के बारे में बात करेंगे। मेज का